प्रथम तहलका न्यूज। पूरे देश के साथ साथ हरिद्वार में भी विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। हरिद्वार के बहादुराबाद स्थित स्वास्थ्य केंद्र में विश्व स्वास्थ्य दिवस बड़े ही उत्साह के साथ मनाया गया और इसकी शुरुआत रानीपुर से विधायक आदेश चौहान ने की। दीप प्रज्वलित कर विधायक ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की और उसके साथ ही नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर हेमंत आर्य ने बताया कि विश्व स्वास्थ्य दिवस को अवर प्लेनेट अवर हेल्थ थीम के रूप में मनाया जाएगा। इस अवसर पर जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण मुद्दों, महामारी प्रबंधन व जनमानस के स्वास्थ्य पर उसके प्रभावों के संबंध में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण में बहुत ही इस तरह की चीजें बढ़ती जा रही है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत खतरनाक है। WHO के द्वारा बताया गया है कि करीब 13 मिलियन मौत प्रति वर्ष पूरे विश्व में ऐसी होती है जिन्हें रोका जा सकता है। डॉक्टर हेमंत आर्य ने कहा कि अपने आसपास के क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा संख्या में प्लांटेशन करें और साफ सफाई का ध्यान रखें। जी जी जी, आज जो है 7 अप्रैल है, विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में इसको पूरे देश में मनाया जाता है। तो आज हम लोग भी यहाँ पे 7 अप्रैल 2022 को आज हम विश्व स्वास्थ्य दिवस मना रहे हैं। माननीय विधायक जी आदेश चौहान जी, BHEL रानीपुर विधायक जी के द्वारा अभी यहाँ पे दीप प्रज्वलित करके इसका उद्घाटन किया गया। उनके द्वारा जो है सभी को समझाया गया पर्यावरण के संबंध में। और इस संबंध में मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आजकल पर्यावरण में बहुत ही पॉल्यूशन और इस तरह की चीज़ें बढ़ती जा रही हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत खतरनाक हैं, तो WHO के द्वारा भी ये बताया गया है कि करीबन 13 मिलियन मौतें जो हैं इस तरह की होती हैं प्रति वर्ष पूरे विश्व में, जो कि अवॉइडेबल होती है, जिनको बचाया जा सकता है, जो कि पर्यावरण के संबंधी कारणों की वजह से होती है। तो इसीलिए हम लोगों को जो है आज यही एक संदेश देना है, जो इस बार हमारी वर्ल्ड हेल्थ डे है जिसकी उसका थीम है अवर प्लैनेट अवर हेल्थ। तो हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करना है और प्लास्टिक का यूज़ कम से कम करना है और जितना हो सके हमें आसपास का जो अपना एनवायरनमेंट है, अपनी जो साफ सफाई का ध्यान रखना है। प्रथम तहलका के लिए हरिद्वार से जहांगीर मलिक की रिपोर्ट।